नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार कंबोडिया में चाइना का विशाल नौसैनिक अड्डा बन गया है। ये खतरा भारत के लिए भी बहुत बड़ा है। दरअसल कुछ समय से लगातार खबरें आ रही थी कि चाइना दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया में अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है, लेकिन अब दोस्तों ये जो नेवल बेस है वो पूरा हो चुका है, जहां पर चाइना अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर सकता है। और ये नहीं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चाइना ने जिबूती में अपना पहला नेवल बेस बनाया हुआ है और अब ये उसका दूसरा नेवल बेस कंबोडिया में बनकर तैयार हो चुका है। वहीं अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा बयान इसको लेकर आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन कंबोडिया में अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ताकि वो यहाँ से अपने दुश्मनों को चुनौती दे सके। अब आपको बता दें कि चीन का ये जो नेवल बेस है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर बने सैन्य अड्डे से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप समझ जाइए कि ये चुनौती सीधा सीधा भारत के लिए बन चुकी है, क्योंकि दोस्तों चाइना के पास कुछ ऐसे बॉम्बर्स मौजूद हैं जो कि रियाम नेवल बेस से अंडमान तक को निशाना बना सकते हैं। वहीं कंबोडिया और चाइना ने अभी तक यही दावा किया है कि चीनी सेना की इस नौसैनिक अड्डे पर कोई भूमिका नहीं होने वाली। और आप सब जानते हैं कि चाइना के पास अमेरिका से ज़्यादा बड़ी नौसेना है, लेकिन चाइना के पास दुनिया भर में नौसैनिक अड्डे और जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो कम है। और यही वजह रही कि चाइना अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन दुनिया भर में नहीं कर पाता है जिस तरीके से अमेरिका करता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर चाइना थाईलैंड की खाड़ी के पास तैयार हुए इस कंबोडियाई नेवल बेस का इस्तेमाल करता है तो चाइना को यहाँ पर एक बड़ी रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। चीन ने दोस्तों पिछले एक दशक में कई सैन्य अड्डे तैयार कर रखे हैं ताकि दक्षिणी चीन सागर को पूरी तरीके से वो अपने कब्जे में कर सके। इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि एक दूसरे देश में चाइना का नेवल बेस होना किसी भी संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को परेशान कर सकता है। अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने अभी हाल ही में कहा भी है कि अगर चीन और अमेरिका युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका दक्षिणी चीन सागर में मौजूद अपने सभी नेवल बेस यानी कि नौसैनिक अड्डों को तबाह कर देगा, लेकिन इस नेवल बेस के मामले में हम कंबोडिया के क्षेत्र में बम गिरा देंगे। वहीं अन्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ता है और ये किसी सैन्य संघर्ष की स्थिति में बदल जाता है तो रियाम नेवल बेस का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा होगा। इससे दोस्तों चाइना की मलक्का स्ट्रेट तक जो नौसैनिक पावर है वो बढ़ जाएगी, और ये जो मलक्का स्ट्रेट है वो रणनीतिक रूप से चीन की जान कहा जा सकता है। इस रास्ते से चाइना का बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात दुनिया को होता है। अगर विवाद होता है तो अमेरिका और भारत दोनों ही ड्रैगन को घेर सकते हैं। भारत का अंडमान बेस भी मलक्का स्ट्रेट के पास है। यहाँ पर अब दोस्तों भारत और अमेरिका दोनों को ही एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से कंबोडिया में जो चीन का ये विशाल नौसैनिक अड्डा है इसे काउंटर किया जा सके। नहीं तो ये दोस्तों ऑब्वियस सी बात है एक बड़ी चुनौती भारत के लिए बन जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा चीन के जिन देशों के साथ विवाद है उनके लिए भी ये खतरा बन जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं अगले के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।